बात करते हैं डिस्पर्जन की, किसकी? When a white light falls on a surface boundary, then it scatters into different colors and this phenomenon of light is known as? Got my point? Yes, sir. This phenomenon of light is known as dispersion. सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत बढ़िया बात, हमें यहाँ तक बात समझ में आई थी। हमने बोला भाई किसका n ज्यादा होगा, विद्युत में जब अपन जानते हैं कोचिश फॉर्मूले के हिसाब से हमने बोला कि n is generally proportional to 1 by lambda, यानी कि अगर n बढ़ेगा तो lambda घटेगा या lambda बढ़ेगा तो n घटेगा। जब हम विद्युत से जैसे इधर जाते हैं तो वॉलेट से लेकर रेड तक अपना lambda बढ़ता है तो n घटता है। याद है कि भूल गया? यहाँ तक की बात मैं कर चुका था, ये बात कर चुका था। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि असलियत में जो डिस्पर्सिव पावर है वो थीटा से, सॉरी, डिस्पर्जन एंगुलर डिस्पर्जन है, वो नापा जाता है थीटा से, जो कि वॉलेट और रेड के बीच का एंगल है। पर वॉलेट और रेड के बीच का एंगल के इस बात पर डिपेंड करता है कि डेविएशन कितना है। डेविएशन अगर I0 हो तो सब R0 हो जाएंगे, तो डिस्पर्जन भी जीरो। फिर हमने बोला कि एक चीज डिफाइन करी जाती है मटेरियल की। एक्चुअल में डिस्पर्जन जो अपनी डिस्पर्जिव पावर है, क्या चीज? किसी भी मीडियम की ताकत बतानी होती है कि भाई कितनी ताकत है इसमें डिस्पर्स करने की। अगले 15-20 मिनट जैसे बोलूंगा, जैसे मुझे याद है, आपको याद होना चाहिए, रटना है, समझाने का प्रयास करना, बाकी याद होना चाहिए। आगे लेंसेज के एंड में काम में आएगा ये, वापस जब अपन पढ़ेंगे क्रोमेटिक एब्रेशन, क्या पढ़ेंगे? क्रोमेटिक। खैर, अभी तो अपन बात समझते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर इज अ हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इज अ हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, क्योंकि ताकत थी कलर को अलग करने की, मीडियम तो मीडियम की ताकत का मापदंड लिया गया। तो डिस्पर्सिव पावर इज अ हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, पर इसकी डेफिनेशन कैसे दी गई समझे। डेफिनेशन थोड़ी लंबी है, उसे समझे कि मान लीजिए इसने बोला सर इस मीडियम की डिस्पर्सिव पावर क्या है, तो मुझे क्या करना चाहिए डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए, समझे। मैं जो मीडियम है उसका थिन प्रिज्म बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? थिन प्रिज्म। नहीं आया? आया। क्या बनाऊंगा? थिन प्रिज्म। उसका थिन प्रिज्म बनाऊंगा, थिन प्रिज्म याद है, भूल गए? याद है, याद है, भूल गए। उसका थिन प्र
थिन प्रिंस बनाऊंगा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया सुंदर, वाह वाह मजा आया। मान लीजिए कि अपन बोले कि उस पर व्हाइट लाइट गिरी, हमें समझ में आता है कि व्हाइट लाइट अगर एक रेयर से डेंसर पे गिरे तो नॉर्मल के सबसे पास कलर कौन सा होता है? वॉलेट रेड। पिछले टाइम बताया था वॉलेट रेड, याद है? भूल गया है अपन ने सब कुछ करा था, याद है कि भूल गया है? अपन ने बोला था विग्योर ऐसे लोग हैं तो अपने को समझ में आया था कि जब इधर से इधर जाते हो तो लैम्डा बढ़ता है और एन घटता है, तो लिखा जाता है 1 into sin i = n into sin r, तो sin r की वैल्यू लिखी जाती है ये। तो अगर n होगा छोटा तो r होगा बड़ा, तो यानी कि रेड सबसे दूर होगा और वॉलेट सबसे, गॉट माय पॉइंट? ऐसे अपन ने समझा था, यानी कि इसका वॉलेट कलर ऐसे गया खुपच और बाहर गया ऐसे, गॉट माय पॉइंट? इन द सेम वे इसका रेड कलर गया ऐसे खुपच और ऐसे गया ऐसे। बोलो पिक्चर क्लियर है? बाकी सारे कलर की अपन बात करें तो विप ग्योर इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो रेड ऑरेंज, गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज विप ग्योर। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अगर ये नहीं होती तो ये ऐसे जाता, ध्यान से देखें तो क्या यहां से लेकर यहां तक क्या अपना डेल्टा रेड कहलाया? डेल्टा रेड कहलाया। बहुत ध्यान से देखो तो अपना ये डेल्टा ब्लू कहलाया, डेल्टा वॉलेट, डेल्टा बी। और याद करो मीन डेविएशन करस्पॉन्ड्स टू, याद है? भूल गया। अगर प्रिंसिपल ही बोला जाए कि कौन सा कलर है तो क्या मीन डेविएशन करस्पॉन्ड करेंगे? मीन डेविएशन करस्पॉन्ड्स टू व्हाट? येलो कलर। शाबाश, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट बच्चे। अब मैंने जैसे बोला इंटेलिजेंट बोलते हंस रही है, मतलब खुद ही को विश्वास नहीं कि मैं इंटेलिजेंट हूं, जोर जोर से हंस रही है, मैं और इंटेलिजेंट। डेल्टा डेल्टा येलो और डेल्टा, अगर आप बहुत ध्यान देखो अगर ये थिन प्रिज्म है, अगर ये अच्छा वॉलेट रेड और रेड सारे कलर के लिए क्या एन अलग अलग है? अगर आप बहुत ध्यान देखो तो थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन होता था n-1 into a, बहुत बढ़िया साहब, तो n-1 into a, तो डेल्टा वी क्या लिखा जाएगा? nv-1 into a, a इज व्हाट? ठीक, ऐसे डेल्टा आर nr-1 into a, व्हाट इज डेल्टा येलो? ny-1 into a, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ये सबका डेविएशन आ गया, बहुत बढ़िया।
अगर आप बात करो कि प्रिज्म में एंगुलर डिस्पर्जन कितना हुआ, क्या एंगुलर डिस्पर्जन मतलब एंगल बिटवीन वायलेट एंड रेड रे? एंगल बिटवीन वायलेट एंड रेड रे इज दिस, दैट इज क्या थीटा? यहां से देखो तो थीटा इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, एंगुलर डिस्पर्जन. क्या चीज? एंगुलर. क्या थीटा इज बेसिकली डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. अगर डेल्टा वी में से डेल्टा आर को घटाओगे तो बचेगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए. मुझे किसी भी मीडियम का डिस्पर्सिव पावर चाहिए जिसे हम ओमेगा कहते हैं, तो उस मीडियम का एक थिन प्रिंस बनाइए, उस पर व्हाइट लाइट गिराइए और उसका एंगुलर डिस्पर्जन निकालिए, उसका मीन डेविएशन निकालिए. क्या निकालिए? मीन डेविएशन का रिस्पॉन्स टू व्हाट? याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है मीन डेविएशन. बोलो क्लियर है? और अब रेशो ले लीजिए, डिस्पर्सिव पावर है. ये सब करने के बाद रेशो लीजिए डिस्पर्सिव पावर में, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन. डेफिनेशन का पार्ट है पूरा, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन. नहीं आया? आया. पक्की बात? चलिए भाई, तो एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन. एंगुलर डिस्पर्जन कितना? एन वी माइनस एन आर इंटू ए. व्हाट इज मीन डेविएशन? ध्यान से देखो तो ए ने ए को डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू क्या आई? एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन. क्या ये प्रिज्म के लिए वैलिड है? ये मीडियम की प्रॉपर्टी है. प्रिज्म एक कैटलिस्ट की तरह काम करा बीच में, प्रिज्म से कोई लेना देना नहीं. तो इस फॉर्मूले को देख, बोल इसमें कहां प्रिज्म है? अरे यार, इट्स अ हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. बच्चे जब इसे सुनता है तो उसे लगता है प्रिज्म की बात है. प्रिज्म इज अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन. प्रिज्म इज अ बट डिस्पर्सिव पावर इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. अरे यार, हाँ, उसकी डेफिनेशन डिफाइन करते वक्त हमने प्रिज्म का प्रयोग करा, वो एक अलग बात है. वो एक कोई आपसे पूछे कि आपको इस मीडियम की डिस्पर्सिव पावर निकालनी है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्पर्सिव पावर निकालने का तरीका है कि इस मीडियम का प्रिज्म बनाइए, इस मीडियम का, उसमें व्हाइट लाइट गिराइए, उससे मीन डेविएशन निकालिए, मीन डेविएशन निकालकर उसका एंगुलर डिस्पर्जन निकालिए और दोनों का रेशो ले लीजिए. क्या वो डिस्पर्सिव पावर कहलाएगी? ध्यान से देखो तो क्या डिस्पर्सिव पावर की यूनिट व्हाट है? डिस्पर्सिव पावर की यूनिट, पावर पढ़ते ही पागल मत हो जाना, ये पावर यूनिटलेस है. ये पावर, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसका प्रिज्म से भी कोई लेना देना नहीं है. इट्स अ हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. आपको दिया होगा एनवी एनआर और एनवाई, ऐसे डराते हैं कभी कभी, लेड प्रेसिपिटेट ग्लास, अ फ्लिंट ग्लास, अ क्राउन ग्लास, उनका ये है रामलाल ग्लास. हमें क्या मतलब यार? हमें एनवी एनआर और एनवाई से मतलब है. हमें किससे मतलब है? एनवी बोलो क्लियर है एकदम? हेलो कह रहे हमें तो एनवी से मतलब. अरे हाँ ना बोलिया, एनवी एनआर और एनवाई. अच्छा, कभी 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 ऐसा हो सकता है कि आपको एनवी और एनआर ही दे, एनवाई अगर एनवाई ना दे तो आप एनवाई को अप्रोक्सीमेटली एनवी प्लस एनआर बाई टू लिख सकते. अगर गिवन ना हो तो ये प्रयोग कल तो आपका डिस्पर्सिव पावर की डेफिनेशन समझ आई है. अपने शब्दों में आप लिखोगे कि भले हमने प्रिज्म को यूज करा है, प्रिज्म की डेफिनेशन नहीं है किसी प्रॉपर्टी मीडियम की. फॉर्मूले में भी प्रिज्म का कोई लेना देना नहीं है. नहीं है. दूसरी बात यह है, थिन प्रिज्म को लेके ही अपन डिफाइन करते हैं और डिस्पर्सिव पावर की कोई यूनिट नहीं है. उतार डाल जल्दी से, फटाक से आगे बढ़ते हैं. तो डिस्पर्सिव पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? मीडियम. डिस्पर्सिव पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. बहुत बढ़िया साहब, अच्छी बात. डिस्पर्सिव पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमने ये उठा लिया ना सब लोगों ने. अच्छा, तो NV plus NR by 2 और NV plus NR by 2 NY और ये NV minus NR by NY minus 1. एक साल में मैंने आपको कराया था. वास्तविकता में क्या होता है कि कभी कभी हमें इस बात की जरूरत पड़ती है कि हमें डिस्पर्सिव पावर से बहुत सारी चीजें खेल सके. जैसे कभी कभी होता है व्हाइट लाइट गिरती है. क्या गिरती है? जब व्हाइट लाइट गिरती है तो वास्तविकता में व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं. अब क्या होता है, हम ये तो चाहते हैं कि व्हाइट लाइट, हम ये तो चाहते हैं कि ये व्हाइट लाइट डेविएट हो जाए पर डिस्पर्स ना. हम ऐसा चाहते हैं कि व्हाइट लाइट डेविएट तो हो जाए पर डिस्पर्स, और कभी कभी ये चाहते हैं कि वो डिस्पर्स तो हो पर डेविएट. पर क्या एक प्रिज्म ये दोनों काम कर रहा है? तो कुछ स्टैंडर्ड सेटअप बनाए जाते हैं, उन्हें समझे. पहले मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं. देखिए, आइए मिलके करते हैं. ये थोड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, थोड़ा चट्टू टाइप है, पर आपको याद होना चाहिए. देख ध्यान से,
मान लीजिए आप दो थिन प्रिज्म को ऐसे जोड़ दीजिए, ये आपका A1 है और ये आपका A2 है, ये आपका A1 है और ये आपका A2 है, दो प्रिज्म है, दोनों थिन प्रिज्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक को ऐसे जोड़ा, एक को ऐसे जोड़ा, उल्टा जोड़ा, बोलो क्लियर एकदम। मान लीजिए कि इस पे व्हाइट लाइट गिरी, मान लीजिए इस पे, इसने इस लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया और इसने इस लाइट को, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सिस्टम से नेट डेविएशन क्या है, नहीं वो जरूरी है जीरो, क्या मान लेते हैं इससे डेविएशन है डेल्टा वन और इससे मान लेते हैं तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, माइनस टू करा बोलो क्लियर, माइनस टू करा बोलो क्लियर है, इसने घुमाया ऐसे, उसने घुमाया ऐसे, डेल्टा वन। अच्छा मैंने सिर्फ डेविएशन लिखा तो मैंने कौन से कलर की बात करी, मैं सिर्फ डेविएशन बात कर रहा हूं तो क्या मीन की बात हो रही है, कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, तो भाई साहब डेल्टा वन क्या लिखेंगे, लिखेंगे एन वाई वन माइनस वन ए वन माइनस एन वाई टू माइनस वन ए टू, थोड़ी कहानी रटने जैसी सुनते चले ढंग से, सब समझ आ जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं इस सिस्टम का डिस्पर्जन निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, अगर मैं इसका डिस्पर्जन निकालना चाहता हूं तो जाहिर सी बात है मुझे डिस्पर्जन निकालना पड़ेगा। डिस्पर्जन इसलिए देखो तो जो थीटा नेट है ये डिस्पर्स करेगा ऐसे, तो क्या वो डिस्पर्स करेगा ऐसे, तो इसका डिस्पर्जन थीटा वन माइनस थीटा, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, थीटा वन माइनस थीटा वन कितना है एन वी वन माइनस एन आर वन ए वन, अभी पीछे पीछे करा एन वी वन माइनस, और थीटा टू एन वी टू माइनस एन आर टू ए। तो अगर हम दो प्रिज्म का ऐसे सिस्टम लें तो उन सिस्टम में नेट डेविएशन इतना होता है और नेट डिस्पर्जन इतना, इनको यूज लिया जाता है कैसे समझे। अगर आपको बोला जाए कंडीशन फॉर डेविएशन, कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, हमें ऐसा सिस्टम बनाना, ये सवाल कई बार आ चुके हैं, बहुत सिंपल होते हैं, कोई खास बात नहीं, समझ ले बस। कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन मतलब इस सिस्टम का सेटअप ऐसा होना चाहिए कि डेविएशन तो हो पर डिस्पर्जन ना हो, तो इनमें कौन जीरो होना चाहिए, क्या जीरो होना चाहिए, यार आवाज़ क्या जीरो होना चाहिए, थीटा नेट जीरो होना, आप क्यों कर रहे हो, थीटा नेट जीरो का मतलब एन वी वन माइनस एन आर वन ए वन इक्वल टू एन वी टू माइनस एन आर टू ए टू, बोलिए सुन लो। अच्छा क्योंकि ये प्रिज्म दोनों अलग अलग मीडियम के बने हुए होते हैं, क्या ओमेगा वन इज बेसिकली एन वी वन माइनस एन आर वन बाई एन वाई वन माइनस वन, ऐसे ही ओमेगा टू इज एन वी टू माइनस एन आर टू अपॉन एन वाई टू माइनस वन, बोल यस और नो, आवाज नहीं आई, कोई बुराई नहीं है। सोच लो yes, तो भाई साहब ये और ये, अब देख यहां से, अगर तू बहुत ध्यान से देख तो इसको कैसे लिख सकता है, समझना क्यों लिख रहा हूं, तेरा समझ में आ जाएगा। क्या एन वी वन एन आर वन को लिख सकता हूं ओमेगा वन एन वाई वन माइनस वन, तो यहां पे लिख दो ओमेगा वन ए वन एन वाई वन माइनस वन, इन द सेम वे ओमेगा टू ए टू एन वाई टू माइनस वन, क्यों ऐसे लिखा भी समझ आए। जिस फॉर्मेट में डिस्पर्जन जीरो है वहां पे डेविएशन जीरो, तो कितना है डेल्टा नेट इज एन वाई वन माइनस वन ए वन माइनस एन वाई टू माइनस वन ए टू, ध्यान से देखना एन वाई टू माइनस वन ए टू की वैल्यू क्या, दिस अपॉन ओमेगा टू, दिस अपॉन, तो क्या लिख सकते हैं एन वाई वन माइनस वन ए वन माइनस एन वाई वन माइनस वन ए वन ओमेगा वन बाई ओमेगा टू, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, क्या इसे लिख सकते हैं डेल्टा वन, क्या लिख सकते हैं, तो किताबों में ऐसे फॉर्मूला हटा देते हैं डेल्टा वन वन माइनस ओमेगा वन बाई ओमेगा टू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट डेविएशन व्हेन देयर इज नो डिस्पर्जन, व्हेन देयर इज। अब मुझे बताओ ये रटने की जरूरत है कि समझने की जरूरत है, मैं रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बात को समझिए, ये बेसिक है उसी से निकाला है, आपको कंडीशन लिखने में कोई खास दिक्कत ऐसी। एक और कंडीशन क्या लिखी जा सकती है बताइए, सब लोग बोलेंगे बोलिए, कंडीशन फॉर डिस्पर्जन, कंडीशन फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, विदाउट, बोल यस और नो, ओ हो, अब बोल क्या जीरो,
थीटा नेट डेल्टा नेट, क्या डेल्टा नेट इक्वल टू जीरो? ऐसी बात करें, डेल्टा नेट इक्वल टू जीरो, डेल्टा नेट इक्वल टू जीरो मतलब एन वाई वन माइनस वन ए वन इक्वल टू एन वाई टू माइनस वन ए टू, बोलिए सुनो, एन वाई वन माइनस वन को क्या लिख सकते हैं? एन वी वन माइनस एन आर वन ए वन बाई ओमेगा वन, अरे इक्वल टू एन वी टू माइनस एन आर टू ए टू अपॉन ओमेगा टू, क्या सही बोल रहा हूँ? yes, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया। सोच लो, इन द सेम वे अगर डेल्टा नेट जीरो है तो थीटा नेट कितना होगा? क्या थीटा नेट ये है? yes, क्या थीटा नेट yes, इसमें सोच, इस वाली वैल्यू को एन वी टू माइनस एन आर टू ए टू को यहां से रख दे तो देख क्या लिखा जाएगा, एन वी वन माइनस एन आर वन ए वन माइनस एन वी वन माइनस एन आर वन ए वन ओमेगा टू बाई ओमेगा। समझ नहीं आया? समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या? एक स्टेप खाइए बीच में, समझ आया कि नहीं आया? सोच लो, कह रहा हूँ रटना नहीं है, समझना है, किताबों में ऐसे ही होता है, बस समझा रहा हूँ, ध्यान से देख। तो इसे क्या लिख सकते हैं? थीटा वन, इसे क्या लिख सकते हैं? तो थीटा वन कॉमन आ गया, थीटा वन वन माइनस ओमेगा टू बाई ओमेगा, यहाँ पे था ओमेगा वन बाई ओमेगा टू। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, रटने की जरूरत है समझने की? किताबों में जरूर फॉर्मूले लिखे थे, मैं फॉर्मूला रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, बात समझ में आनी उतार। तो अगर कभी भी कंडीशन पूछी जाए डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन या फिर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई अभी पिछली बारी नीट का एक सवाल है, जे मेन में भी क्यों नीट जैसे सवाल आते हैं, बहुत सिंपल सा पूछा था उन्होंने कि भाई दो प्रिज्म है, एक का एंगल 4 डिग्री है, कितना है? 4। उसका रेफरेंट एक्स 1.5 है, कितना है? 1.5। उसके साथ एक और प्रिज्म जोड़ा गया उल्टा करके, और वो जो है उसका रेफरेंट एक्स शायद 1.7 दिया हुआ था। बताओ प्रिज्म का एंगल क्या हो सो दैट डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। सवाल सुनना, नीट का ही सवाल है। उन्होंने बोला था कि एक प्रिज्म है जिसका रेफरेंट एंगल है 4 डिग्री, कितना? 4 डिग्री। और रेफरेंट एंगल है 1.5, कितना? उसका उसके साथ एक और प्रिज्म जोड़ा गया जिसका रेफरेंट एंगल है 1.7, कितना? बताओ इस वाले प्रिज्म का क्या एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हो, यानी कि प्रिज्म एंगल हो, कि कंडीशन हो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का मतलब क्या? ये जीरो होना, ये जीरो होने का मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। कहाँ गया ये रहा? सवाल में देख तो तेरे को ये दिया हुआ है 4 डिग्री, ये दिया हुआ है 1.5, ये दिया हुआ है 1.7, ये निकालना बड़ी बात खत्म। आपको बेसिक बात समझ में आनी, बस इतना ही सवाल, इसलिए बहुत कोई टफ सवाल इसमें आने वाले नहीं है। हालांकि डिस्पर्सिव पावर की अपन थोड़ी सी बात अब, हाँ बोलो, इसी थोड़ी सी बात अपन अक्रोमेटिक एब्रेशन के साथ करेंगे। खैर तुम वाली शीट लाए हो क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाली शीट पड़ी है क्या? एक तो अगले टाइम तो पक्का लेके आना, उसमें से कुछ कुछ चीजें पढ़ाऊंगा मैं ताकि टाइम खराब नहीं हो। मैं ऐसे ही समझाता हूँ एक फिनोमेना, फिर डिस्पर्जन और डेविएशन के और TIR के बहुत सारे फिनोमेना है, वो मेरे जैसे कुछ आपने सुना होगा ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स, अरे सुना है क्या? ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। उसके अलावा आपने सुना होगा विराज, क्या चीज? विराज जानते हैं क्या? मैं समझा रहा हूँ, शीट में लिखा हुआ, टाइम पास मत करना। गॉट माय पॉइंट? तो मिराज जैसे सब लोग हो सकते हैं। मृग मिर्ची का सुना है क्या? अरे सुना है क्या? तो मिराज में समझा रहा हूँ, आपकी शीट में लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए उसको रख से दी है ताकि टाइम खराब नहीं हो। मिराज जो बेसिक सी चीजें फिनोमेना समझाता हूँ आपको। मिराज, मिराज देखा है जैसे अगर आप रेगिस्तान में दूर तक जाओ, दूर जाओ, या आप कभी गर्मी में गए हो, अभी से बहुत गर्मी पड़ रही है हाईवे पे, क्या उस पर पानी ऐसे ऐसे करता नजर आता है जो बेसिकली अगर और उसके आसपास पेड़ लगाओ तो उस पेड़ की इमेज भी नजर आती है, जिसे रेगिस्तान में बोलते हैं मृग मिर्ची का, कि दूर लगता है पानी, पर वास्तविकता में होता नहीं है। पानी होता नहीं है। ऐसा होता क्यों है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि ये आपका पेड़ है, क्या है? पेड़, जो ये सुना हुआ होगा वैसे तुमने, फिर भी एक बार सुन लो ताकि मैं रिवाइज करा दूं, बाकी उतारने की कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए कि आपका पेड़ है, इस पेड़ को ये अपने जिस रोड पे आप चल रहे हो उसके साइड में लगा हुआ है, समझो आप। अब हुआ क्या कि आप यहां कहीं हो, मान लो आप यहां कहीं हो दूर,
काफी दूर। अच्छा गर्मी बहुत है, तो जो रोड के पास वाली एयर होगी, रोड के क्या वो ज्यादा गर्म होगी यार? हाँ ना बोल, ज्यादा गर्म मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब एन, कम ज्यादा, कम ज्यादा मतलब अगर मैं यहाँ पे एयर की लेयर्स को डिवाइड कर दूं, ऐसे डिवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर एक लेयर हैज अ डिफरेंट डेंसिटी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन, देयरफॉर दे हैव अ डिफरेंट एन, देयरफॉर दे हैव अ डिफरेंट, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट। अच्छा बताओ, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो एन बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है? आप समझ, मान लो कि एक रे यहां से देखी, ठीक ऐसे आई, डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर। अब एक समझो, क्या ऐसे से शिफ्ट होती रही? आपको नहीं लगता ये एंगल बढ़ता रहा? ये एंगल बढ़ते बढ़ते कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि डेंसर से रेयर में या टीआईआर हो जाए? अरे क्या हो जाए, क्या हो जाए अगर यहाँ पर हो गया और फिर मान लो आपकी आंख पे ये गई, तो सोच तेरे को ये पॉइंट कहाँ नजर आए? अगर से हर पॉइंट के इसको देखे तो क्या ये पेड़ हमको, अरे भाई साहब हमको ये पेड़ ऐसे? आपको नहीं लगता है सरफेस मिरर का काम कर रही है? किसे काम कर रही है? मिरर काम कर रही है, इसलिए इमेज दिख रही है। अच्छा मिरर सोच, आप चल रहे डेंसिटी भी वेरी कर रही है, सब हिल रहा है, डुल रहा है, तो सोच मिरर स्ट्रेट होगा या ऐसे ऐसे करेगा? अब सोच मिरर ऐसे ऐसे करे तो कैसा दिखेगा? पानी। अरे यार मिरर ऐसे ऐसे करे तो क्या दिखेगा? इसलिए दूर पानी दिखता है। पर जैसे जैसे पास आते हो, अगर आप इसके इधर पास आ गए तो फिर टीआईआर होगा क्या? तो फिर टीआईआर होना पॉसिबल? तो आपको पेड़ दिखेगा, पानी तो दिखेगा ही नहीं। अरे भाई मुझे लगा ही तुम्हें आया, नहीं आया। ये कहलाती है मृग मरीचिका, जिसे हम कहते हैं मिराज। क्या कहते हैं? बेसिक सा फंडा है, क्या मिराज इज बेस्ड ऑन टीआईआर? क्या बात एकदम क्लियर है? इसका उलट होता है लूमिंग, जो आपने नहीं देखी है। लूमिंग, लूमिंग मैं बता रहा हूं, सुन ले, इसका उलट होता है लूमिंग। ये उन जगह होता है जहां पे बेहद ठंड है, बेहद भयानक ठंड, चबड़ोस मतलब पागलों की तरह ठंड है। मतलब आपने जैसे अंटार्कटिका की तरफ, आप सी वगैरह की तरफ चले जाओ, शिप्स जाते हैं अंटार्कटिका की तरफ, जबरदस्त टेम्परेचर है, -21 माइनस ये। तो असलियत में उसमें क्या होता है, ध्यान से देखो कि मान लीजिए आपका शिप ऐसे, ऐसे ठीक। अब होता क्या, ठंड की वजह से, किसकी वजह से? ठंड की वजह से। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर, आप डेंसर, पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है कम है? ज्यादा डेंसिटी, और ऊपर, ऊपर, ऊपर। तो आप जैसे जैसे यहां से ऊपर जा रहे हो, एन बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। एन, एन बहुत ठंडा, कहां पर है? पानी जोरदार, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे। अब मान लो कि आपका एन, अब सोच मान लो कि यहां से एक पॉइंट है, कोई लेयर से डिवाइड कर ली, ठंडी की ठंडी जगह पे होता है, बैक ठंड जगह पे। अब मान लीजिए कि आप यहां कहीं हो, ऐसे कहीं आप दूसरी शिप में सेल कर रहे हो, तो ऐसे रहने के लिए ऐसे 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 क्या हो सकता है इस जगह टीआईआर हो गया? क्योंकि आप कैसे जा रहे हो, डेंसर से, बेकार डेंसर से। अब आपकी आंख पे ऐसे गिरी, तो ये पॉइंट कहां नजर आया? ऊपर। तो ये जो आपको शिप है ना, ये ऐसे नजर आता है, ऐसे। ये वास्तविकता में होता है, आपने नहीं देखा क्योंकि हम इतनी ठंडी जगह पे जाए। इसे कहते हैं लूमिंग। क्या कहते हैं? लूमिंग। पर दोनों के फंडे सेम है, मिराज के और लूमिंग। तुझे मेरी बात समझ? ये कोई एबनॉर्मल फिनोमेना नहीं है, जैसे आपने नॉर्मल फिनोमेना है ना, पर ये नॉर्मल इसलिए क्योंकि आपने इसको महसूस करा है, इसे महसूस ऐसे शिप उल्टा दिखता है, बहुत ठंडे वाले जहां पे होते हैं उसे बोलते हैं लूमिंग। क्या बोलते हैं? लूमिंग। नहीं आया, क्या बोलते हैं? लूमिंग। क्या मिराज और लूमिंग समझ आई है? yes, इसकी थ्योरी का मैंने शीट में दी हुई है। yes, sir। मैं एक चीज और पढ़ाऊंगा, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स में आपको पढ़ाऊंगा, रेनबो, ये सब जेई मेन के हिसाब से याद होना चाहिए, इसलिए मैंने थ्योरी अच्छे से बना के दे दी है पूरी शीट, ताकि उस पर अपना टाइम खराब ना हो। बोलो क्लियर है एकदम? yes,
तो आपका डिस्पर्जन वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अगले टर्न से अपन चालू करेंगे स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। क्या चालू करेंगे? स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के पहले आप शीट में जो भी हो कर लेना, अगले टर्न डिस्कशन करूंगा। गॉट माय पॉइंट? चलिए।